सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यम्मीलिशियस ड्रिंक। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफी शेक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली एंड बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली रेसिपी। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप उसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर। मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। So without wasting any time, let's get started. मैंने एक ग्लास ठंडा दूध लिया, 4 से 5 छोटी चम्मच चीनी, कॉफी, चॉकलेट आइसक्रीम और मैंने गार्निश करने के लिए एक चॉकलेट लिए। ये मैंने ब्लेंडिंग जार लिया है। सबसे पहले मैं इसमें चिल्ड दूध, ठंडा दूध डालूंगी। मैंने एक ग्लास ठंडा दूध डाला। अब मैं 3 से 4 चम्मच चीनी डालूंगी। ये मैंने 3 से 4 छोटी चम्मच चीनी डाल दी। 2 चम्मच मैं कॉफी डालूंगी। ये मैंने 2 चम्मच कॉफी डाल दिए। और अब मैं 2 स्कूप्स आइसक्रीम के डालूंगी। जो मैंने चॉकलेट आइसक्रीम ली थी उसके 2 स्कूप्स डालूंगी। और अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे, अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। अब हम कॉफी को थोड़ा और चिल करने के लिए इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे। तो ये मैं 3 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। आपको जितना ठंडा चाहिए आप अपने हिसाब से भी आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। अब हम दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि आइस भी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाए। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको जार को उतारेंगे। अब हम एक खाली ग्लास लेंगे। मैं कोल्ड कॉफी को और ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको गार्निश करने के लिए मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया। अब मैं ग्लास को इस तरीके से टर्न करूंगी एंड धीरे धीरे इसको रोटेट करूंगी, जिससे कि जो चॉकलेट सिरप डाल रहा है हमने वो ग्लास की वॉल्स पे थोड़ा सा रोटेट हो जाए, जिससे कि हमारा ग्लास बहुत अच्छा लगेगा। मैं चॉकलेट सिरप को इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने पूरे ग्लास में चॉकलेट सिरप को स्प्रेड कर दिया है। अब इसमें मैं ग्लास में 2 क्यूब्स डालती हूँ आइस के। ये मैंने 2 आइस क्यूब्स डाल दिए। थोड़ी सी आइसक्रीम डालूंगी, आधा स्कूप आइसक्रीम डालूंगी मैं। एंड अब हम डालेंगे कॉफी। एंड अब मैं इसमें 1 स्कूप आइसक्रीम का और डालती हूँ। एंड ये जो मैंने चॉकलेट ली है उसको मैं साइड में इसको लगा देती हूँ, जिससे इसकी ब्यूटीफाई हो जाए ये। एंड इसको और अच्छा लगने के लिए मैं इसमें स्प्रिंकल करती हूँ थोड़े से चोको चिप्स। अगर आपको चोको चिप्स और चॉकलेट नहीं डालनी है और सिरप नहीं डालना है तो आप मत डालिए। आप कॉफी को जिस तरीके से हमने ब्लेंड करके प्रिपेयर किया आप उस तरीके से प्रिपेयर करके भी सर्व कर सकते हैं अलोंग विद आइसक्रीम। ये बहुत ज्यादा टेस्टी एंड यम्मी लगती है। इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।